एचपी स्लाइड डीवीडी पेश कर। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वीडियो गल करांगे सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट की। गल करांगे यह किस तरह मिलता है। तुसी देखते हो आम जो भी कोई फिल्म स्टार्ट होंदी है, सब तो पहला एक सर्टिफिकेट आता जो सेंसर बोर्ड वालों इशू किया होंदा। उस बारे अज गल करांगे किवें मिलता है तो कितना समा लगता इसनू। सर्टिफिकेट तो तुसी आम देखते हो कि किसे सर्टिफिकेट यू यू ए या एस लिखा होंदा, इसका की मतलब है, इस बारे भी गल करांगे। जो ये लिखा होंदा इस तो पता लगता है भी मूवी कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। गल करते हैं सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड की है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। इस बोर्ड का काम है कि जो फिल्म होंदिया उन्होंने देख के, उन्होंने कंटेंट देख के उस हिसाब नाल उन्होंने सर्टिफिकेट दिता। सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत जो प्रोविजन है उस हिसाब न फिल्मों सर्टिफिकेट देने का काम करता है। जिन्हिया भी फिल्म बनती हैं उन्होंने रिलीज़ करने तो पहला सेंसर बोर्ड तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जेड़े सेंसर बोर्ड के डायरैक्टर तो मैंबर होंगे है उन्होंने सेंटर गौरमेंट अपॉइंट करती है। सेंसर बोर्ड का हैडक्वाटर बॉम्बे है, तो रीजनल ऑफिस 9 जगह पर है। बॉम्बे, नवी दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलौर, चेन्नई, कोलकाता, कटक, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हैगे है। गल करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट कितनी तरह के है? सर्टिफिकेट चार तरह के होंगे है। सेंसर बोर्ड फिल्मों चार तरह के सर्टिफिकेट दिता है। सब तो पहली कैटागरी है यू, हर व्यक्ति इस फिल्म को देख सकता। जिस फिल्म में यू सर्टिफिकेट मिले उसनू हर व्यक्ति देख सकता। दूजी कैटागरी आती है यू ए। जिस फिल्म में यू ए सर्टिफिकेट मिले 12 साल तो घट उम्र के बच्चे, माता पिता या किसी वड्डे की देख रेख देख सकते। यू ए सर्टिफिकेट का मतलब है 12 साल का कोई भी है वो देख सकता इस मूवी। 12 साल तो घट उम्र का जो है वो माता पिता की देख रेख च या किसी वड्डे की देख 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 सकता। तीजी कैटागरी आती है ए। ए का मतलब अडल्ट। जे किसी फिल्म में ए सर्टिफिकेट मिले तो जिन्हों की उम्र 18 साल तो ज़्यादा है देख सकते हैं। चौथी कैटागरी आती है एस। जिस फिल्म नू एस सर्टिफिकेट मिले है वो सिर्फ खास व्यक्तियों वास्ते होंदी है, खास वर्ग वास्ते होंदी है। जो खास वर्ग के व्यक्ति है उन्हां वास्ते होंदी है, जिवें डॉक्टर हो गए या कोई इंजीनियर हो गए, इस तरह के कोई व्यक्ति जिन्हां वास्ते फिल्म बनी है वो ही देख सकते हैं सिर्फ इसनू। गल करते हैं सेंसर बोर्ड तो सर्टिफिकेट किवें मिलता है। सेंसर बोर्ड च तीन पैनल होंदे है। सब तो पहला पैनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का होंदा है, जिस विच चार व्यक्ति होंदे है, दो औरतां भी होंदियां उहदे च। उन्हां ओह इन्वेस्टिगेट करदे फिल्म नू, ओह देखदे है कि फिल्म दे विच किहड़े सीन कट्टण वाले है, एडिट करन वाले है। ओह देखण तों बाद फिर ओह डिसाइड करदे है, फिर ओह रिटन दे विच अपने सुझाव दिंदे है वी इहदे विच की कमियां है, की सीन कट्टण वाले है जां नहीं कट्टण वाले। ज़्यादातर फिल्मां पहला पैनल जिहड़ा इन्वेस्टिगेट करदा है ओह पास कर दिंदा। इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट फिर डायरेक्टर को भेज दी जाती है। इस तो बाद दूसरा पैनल आता, रिवाइजिंग कमेटी भी कहा जाता। जे इन्वेस्टिगेशन टीम फिल्म सर्टिफिकेट देने तो इनकार कर देती है तो फिर फिल्म इस पैनल को भेजी जाती है। इस पैनल दे विच डायरेक्टर तो इलावा 9 मैंबर भी हो सकते हैं जिन्हां की पहचान गुप्त रखी जाती है। इस कमेटी विच पहले पैनल का कोई भी मैंबर नहीं होंदा गा। जो पहले पैनल दे विच इन्वेस्टिगेशन पैनल जो होंदा उस विच शामिल उसका कोई मैंबर नहीं होंदा गा। जे कोई यह पैनल सुझा दिंदा है, जे प्रोड्यूसर उसनू मना कर दिंदा है तो यह पैनल फिल्म पास करन तो ना कर सकता। तीसरा पैनल हैगा फिल्म सर्टिफिकेशन पीलियट ट्रिब्यूनल FCAT। यह आखिरी पैनल होंदा है। इस विच सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे जज भी होंदे है ते फिल्म इंडस्ट्री दे तजर्बेकार मैंबर होंदे है। जे यह तीसरा पैनल भी सर्टिफिकेट नहीं दिंदा, डायरेक्टर दे मुताबिक सर्टिफिकेट नहीं दिंदा तो डायरेक्टर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकता। वीडियो चंगी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। होर इस तरह दी वीडियो देखने वास्ते साडे चैनल सबसक्राइब जरूर करो ते घंटी का बटन दबाओ